Hey guys, welcome to another video. कैसे हैं सब लोग? तो इस टाइम पे हूँ मैं टर्की की सिटी इस्तांबुल के अंदर, और यहाँ पर था मेरा ले ओवर 24 आवर्स का, क्योंकि मैं इंडिया से अमेरिका वापस जा रहा था. तो यहाँ पर मेरा 24 आवर का ले ओवर था, तो सोचा तो थोड़ी थोड़ी सिटी एक्सप्लोर करते हैं और आपको थोड़े मतलब मेन स्पॉट्स ही दिखाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5 बज चुके हैं. हमारी फ्लाइट आई थी 12:00 बजे, बट यू नो एयरपोर्ट से निकलते हुए होटल में चेक इन वगैरह किया, फ्रेश हुए, उसके बाद लग 500 बज ही गए हैं. तो मुझे लगता थोड़े ही स्पॉट्स देख पाएंगे, बट जितना भी होगा लेट्स शो यू सम इस्तांबुल. भाई अभी हम निकल चुके हैं एक मॉस्क में जाने को, यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर मॉस्क हैं एज यू गाइस नो. बट ये देखो भाई, ये वाली स्ट्रीट्स मतलब क्या बढ़िया है. ये देखो व्यू आ रहा है भाई जगह का, और अभी मैं आपको अपना इसके बाद में होटल भी दिखाऊंगा. बहुत बढ़िया जगह पे होटल है और मतलब उसका व्यू भी अच्छा है. बाकी तो भाई ये देख लो क्या हुआ है. अभी हम यहाँ से थोड़ी वॉक करके जाएंगे, 10-1 मिनट की वॉक है, और मॉस्क पास पास ही है, क्योंकि मैंने होटल देखे ऐसी जगह पे जहाँ पे सब कुछ एक्सेसिबल हो. भाई अभी हम जा रहे हैं हाजी सोफिया मॉस्क के अंदर, और ये देखो भाई हम काफ़ी नीचे से चढ़ के आए ऊपर, और अभी आके मतलब 5-10 मिनट का रास्ता और है, तो अब वहाँ चलते हैं. और यहाँ पे भाई अच्छा खासा जाम भी लग रहा है मुझे लगता है, क्योंकि वही ओल्ड सिटी वाइब्स है ना. तो स्ट्रीट देख लो आप कितनी सी है, तो गाड़ियाँ तो फंसनी है भाई. मगर यहाँ पर ये टैक्सीज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सारे में टैक्सीज दिख रही है. देखो आगे भी, और ये देखो हिंदी में, हिंदी का वर्ड तो नहीं है बट ये देखो लिखा हुआ दिक्कत, मतलब काफ़ी वर्ड सिमिलर हो जाते हैं फिर यू नो अदर लैंग्वेजेस के साथ. इसमें कोई और मीनिंग होता होगा, मे बी वार्निंग या कुछ होगा दिक्कत का मतलब इनके में. अरे भाई टर्किश आइसक्रीम वाले भैया बहुत फेमस है इंटरनेट पर. ये देखो भाई क्या बढ़िया खेलते हैं बच्चे के साथ. ओ तेरा भाई मज़ेदार है, देखो तो सही. देखो ना यहाँ की मतलब वाइब भी बहुत प्यारी लगी है, कि मतलब जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और मतलब सब इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, और कंपेरेटिवली मतलब सस्ता भी है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी महंगा जैसे भी पानी की बोतल है. अभी USD में देखो 50 सेंट्स की चीज़ें, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट. और भाई हर जगह पे ये लोग तो लगे हुए हैं टर्किश आइसक्रीम वाले. ओ भाई इसने पूरी निकाल दी अपनी बार, ये देख लो ये लोग का मतलब USP यही है, इसकी वजह से लोग इनसे आइसक्रीम खरीद रहे हैं. भाई ये मॉस्क के बाहर का एरिया है, क्या बढ़िया बनाया हुआ है, और भाई पूरी प्रोटेक्शन भी पूरी है. ये देखो पुलिस की पूरी अपनी मतलब लगी हुई है भाई प्रोटेक्शन, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि सीरिया का बॉर्डर लगता है ना टर्की के साथ में, तो यहाँ पर वैसे भी पूरी प्रोटेक्शन रखते हैं ये लोग. और पूरा टूरिस्टी एरिया बनाया हुआ है, मतलब हर तरह के लोग आए हुए हैं हर जगह से, और भाई मज़ेदार है. तो भाई ये है सामने हाजिया सोफिया मॉस्क, मुझे पहले पता नहीं था कि यही है, हम लोग दूसरी मॉस्क को सोच रहे थे, और बाद में पता चला कि यही मॉस्क है हाजिया सोफिया, और इसके सामने है ब्लू मॉस्क. बट ये वाला तो म्यूज़ियम है, और वो वाला है जो वो प्रॉपर मॉस्क है. बट मतलब ठीक बनाई हुई यार, पुराने एशियन टाइम्स की है ये भी, और इसकी हिस्ट्री थोड़ी मैं इसमें डाल दूंगा नीचे, तो आप लोग देख लेना, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है इसकी हिस्ट्री के बारे में. और भाई ये बढ़िया बनाया हुआ, इधर से देखो मतलब धूप काफ़ी है, बट मतलब बढ़िया तरीके से इन्होंने टूरिस्ट प्लेस बनाई हुई है अपनी जगह, यू नो मॉस्क की मतलब. और पहले मॉस्क थी, अब तो म्यूज़ियम बना दिया, बट इसके टाइमिंग्स थोड़े अलग है म्यूज़ियम के, तो अभी बंद हो चुका है. तो होपफुली नेक्स्ट विजिट में, हमारे पास टाइम तो नहीं है कि कल देख लें आके, तो होपफुली नेक्स्ट विजिट में इसको एक्सप्लोर करेंगे अंदर से. भाई वो सामने है ब्लू मॉस्क, अभी तो मतलब इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा धूप के कारण, बट और इसमें रेनोवेशन भी चल रही है, और बाद में अपन जाएंगे मतलब थोड़ा हो जाएगी ना, शाम हो जाएगी तो अपन आएंगे इधर, अच्छी सी फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे, और फिर आप लोगों को दोबारा शाम का व्यू दिखाएंगे. फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं किसी बाजार में, यहाँ पे काफ़ी तरह के मतलब यू नो लोकल बाजार वगैरह रहते हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं और आप वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं. आइए हम जा रहे हैं अभी बाजार की तरफ, और ये बीच में रेस्टोरेंट आ गए हम, क्या बढ़िया वाइब है इसकी. ये देखो स्ट्रीट सीटिंग भी कर रखी है इन्होंने, मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम है ऐसी एक कोई भी कंट्री में. यूजली मैं मतलब अमेरिका एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ अभी इंडिया गया हुआ था, बट भाई टर्की अलग ही लेवल है.
भाई तो अभी ग्रैंड बाजार तक जाते हुए बीच में ये मार्केट आई है भाई, क्या क्लासिक लुक है इधर की। और मतलब यहाँ पे सभी तरह के ज्वेलरी स्टोर्स, डायमंड स्टोर्स वगैरह भी हैं, तो मतलब क्लासिक मजा आ गया यार। इस्तांबुल डेफिनेटली जितना सुना था उतना ही सुंदर है, नो डाउट इन दैट। और भाई ये है ग्रैंड बाजार एंट्रेंस, देखो क्या स्पेक्टेकुलर एक एंट्रेंस है भाई, मजा आ गया। ये देखो मतलब ग्रैंड सेंट्रल डेफिनेटली बहुत सुंदर भाई। बाजार के अंदर आ गए हैं और बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह है भाई, मतलब देखो तो ये कैसा इतना सुंदर व्यू बनाया है इन्होंने। और भाई ये देखो ये इतनी बड़ी शॉप, वैसे तो सिल्वर गिफ्ट्स की, और ये देखो टर्किश डिलाइट चॉकलेट्स के लिए भाई, बहुत प्यारा है यार ये, मतलब आंखों में बस जाए ऐसा। अब हम वॉक थ्रू कर रहे हैं ग्रैंड बाजार में से भाई, क्योंकि हमारे पास बस मतलब 20 मिनट ही है, 7 बजे बाद होने वाला है, ऑलरेडी बहुत लेट पहुंचे हैं, तो फटाफट आपको दिखा देते हैं और अपने लिए भी भाई ये मेमोरी बन जाएगी बढ़िया तरीके से। ये देखो मतलब मसालों की दुकान है, मतलब जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा भाई, काफी बड़ा बाजार है ये तो पहले आना चाहिए था हमारे को भाई। यहाँ पर लग रहा है ये फ्रिज मैग्नेट वगैरह, और काफी बड़ी दुकान है ये। ये देखो भाई यहाँ पर भी है अंदर, क्या बढ़िया दुकान है मतलब, यहाँ पर तो बंदा आए और पूरा दिन भी निकाल देना फिर भी कम है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। और अभी देखते हैं थोड़े फ्रिज मैगनेट वगैरह ले चलते हैं हमारा फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी, और मजा आता है यार इसमें भी, ये शॉपिंग भी अच्छी लगती है और प्राइजेस भी अच्छा है यार। ये देखो 15 तिलरे यहाँ की करेंसी है, और $1 के आपको मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 33 तिलरे, सो 50 सेंट्स का हुआ ये, तो नॉट बैड। काफी टूरिस्टी प्लेस भी है, तो थोड़ा सा मतलब बाहर 10 का मिल जाएगा, यहाँ 15 का, बट इट्स ओके, बढ़िया जगह भी तो है। शॉप से सामान वगैरह ले रहे हैं, और ये भी लेंगे, ये ईवेल आए वाले अच्छे लेंगे, ये भी अच्छा लगता है। और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, हमने ये भी पिकअप किए हैं थोड़े, और ये ट्रे बनाई है अपने अपनी, ये सामान लिया है सारा, काफ़ी है भाई इस दुकान में तो। ये देखो कितने प्यारे कलर्स हैं, प्राइस भी बुरा नहीं है, 35 मतलब ऑलमोस्ट $1 ही हो गया, $8.10, बट ये अच्छा है भाई। ये बाजार इतना बड़ा है ना, मतलब घूमने के लिए पूरा तुम्हारे को 2-3 घंटे चाहिए, और हर तरह की चीज़ मिल रही है यहाँ पर। ये देखो मतलब स्पाइसेस की कितनी प्यारी दुकान है, और ये मतलब स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं छोटे छोटे भी, जैसे अभी ये मफलर वगैरह लगे हुए हैं, वॉचेस भी लगी हुई है भाई, बढ़िया है। देखो हैंड बैग भी लगे हुए हैं, अच्छा लगा हुआ सब कुछ ना, और खासकर ये ऊपर की भाई, क्योंकि सीलिंग का ये मतलब डिजाइनिंग है ना, मतलब पूरा वैसा फील देखा है जो हमने पहले हम लोग मूवीज में देखते थे ना, और मतलब आज रियलिटी में देख रहे हैं, तो मजा आ रहा है ये सब देख के। और ये मतलब सनग्लासेस वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा है। तो भाई अभी स्पाइस की दुकान से, स्पाइसेस की दुकान से ले लिया थोड़ा सामान, और लिया है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हमने लिए है फिग्स और ये हर्बल टी, बढ़िया था, और मैंने वहाँ पे अंदर तो रिकॉर्ड नहीं किया, बट ये देखो हर्बल टी और फिग्स ले लिए फ्रेशली मेड, अच्छी तरह मतलब इन्होंने यहीं पे बनाए होते हैं ये चीज़ें, और सामने क्रश करके दी हैं, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है।